Mr. Priyal Punia. धन्यवाद सभापति जी. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आज से 23 साल पहले बना था और समय के साथ इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की गई. 2018 में भी बिल पास हुआ लेकिन पिछली लोकसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद और वो बिल वहाँ पर लैप्स होने के बाद दोबारा पास हो के यहाँ पर राज्यसभा में आया है और अभी उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं. सभी लोग कंज्यूमर हैं, किसान भी, महिला भी, मजदूर भी, जितने भी वर्ग ले लीजिए, सभी कंज्यूमर हैं. जितनी जनसंख्या हमारी 130 135 करोड़ की जनसंख्या, सभी कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं लेकिन ये असंगठित हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है. इसलिए सरकारी तौर पर कानून बनाकर उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए आवश्यकता महसूस की गई. पिछले 23 वर्षों में कंज्यूमर मार्केट में बहुत बदलाव आया है और इसलिए पुराना एक्ट लगभग निष्प्रभावी होने के कारण नए एक्ट की आवश्यकता पड़ी है. स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस में इसका उल्लेख भी किया क्या क्या परिवर्तन आया है. जैसे मॉडर्न मार्केट प्लेस है, शॉपिंग प्लाजा है, ग्लोबल सप्लाई चेन है, इंटरनेशनल ट्रेड है, ई कॉमर्स है, डिलीवरी सिस्टम है, साइंस में जितनी तरक्की की है, नए नए प्रोडक्ट मार्केटिंग बाज़ार में आए हैं, उसी के साथ अनफेयर ट्रेड, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में भी बढ़ोतरी हुई है. मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, लोग विश्वास रखते हैं कि जो दिखता है सो बिकता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करके लोग अपना मार्केटिंग करके सेल बढ़ाना चाहते हैं. टेली मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो ये परिवर्तन आए हैं जिसकी वजह से नया एक्ट लाने की आवश्यकता पड़ी और उसमें प्राविधानों को भी पूरी तरह से परिवर्तन है. बड़े विस्तार से प्राविधान किए गए हैं और मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत प्रारंभिक अपनी टिप्पणी में बहुत विस्तार से बताया भी है और मुझे उम्मीद है कि इससे उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होगी. उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं उसको जानने का अधिकार है. क्या क्वालिटी होगी, क्या क्वांटिटी है, प्राइसिंग के ऊपर, प्योरिटी के ऊपर, स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ये जानने का उसका अधिकार है. क्या इसके बिल के माध्यम से सब ये सुनिश्चित हो सकता है कि नहीं, कुछ हद तक, क्योंकि लंबी चौड़ी व्यवस्था आपने बनाई है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो कंज्यूमर राइट्स को प्रमोट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, इन्फोर्स करेगी, ये आपने अपने डॉक्यूमेंट में दिया है. और कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल कमीशन जो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिले स्तर पर भी उसका गठन किया जाना है. कंज्यूमर मीडिएशन सेल एक भी सभी लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर गठन करने का भी प्राविधान है. लेकिन इसके बावजूद बिल में ये काफ़ी कमी हम महसूस करते हैं. बस समय का अभाव को देखते हुए बहुत सूक्ष्म में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा. हेल्थ केयर के बारे में अभी अनिल देसाई जी ने भी इसका उल्लेख किया और आपने भी अपने प्रारंभिक उद्बोधन में इस बात की चर्चा की थी कि किस तरह से हेल्थ केयर को 2018 का जो बिल पास हुआ था लोकसभा में उसमें तो प्राविधान था लेकिन अब आपने हटा लिया क्योंकि यहाँ पर किसी सदस्य ने उसके ऊपर आपत्ति जताई थी. और मैं समझता हूँ कि ये बहुत आवश्यक है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ये स्पष्ट रूप से कहा था कि जो डॉक्टर के पास जाता है, फीस देता है, इलाज कराता है, तो वो कंज्यूमर की श्रेणी में आता है और उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. अभी पीछे जॉनसन एंड जॉनसन का जो हिप इम्प्लांट का उसका रिप्लेसमेंट का, वो पूरे दुनिया में जगह जगह पर उसका कंपनसेशन तो मिला लेकिन हिंदुस्तान में वो दर दर ठोकरे खा रहे हैं, न्यायालयों में दर दर ठोकरे खा रहे हैं. ये एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो अवश्य अवश्य इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंतर्गत कवर होना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है.
दूसरा सूदखोर साहूकार को ग्रामीण में, ग्रामीण क्षेत्र में उसकी आवश्यकताएं होती है। वो कृषि के लिए लोन मिल जाएगा, किसी कारोबार के लिए लोन मिल जाएगा, ट्रैक्टर के लिए मिल जाएगा, लेकिन शादी के लिए, ब्रह्मभोज के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए, ये वो स्थानीय ग्रामीण साहूकार के ऊपर ही निर्भर रहता है। और ऐसे अनेक दृष्टांत हमारे सामने आए हैं कि कर्ज माफ करने के बावजूद, राज्य सरकार ने कर्ज माफ़ किया, लेकिन उसके बावजूद भी किसान आत्महत्या करता है। वो इसलिए कि जो उत्पीड़न होता है साहूकार की तरफ से, तो क्योंकि इसमें भी लेन देन है, इसमें भी वो इंटरेस्ट देता है, तो इसको भी ज़रूरी तौर पर इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन से कवर होना चाहिए। एमआरपी के हम देखते हैं यहाँ तक कि जो एमआरपी से ज़्यादा वसूल नहीं करेगा, हालांकि उसके अलग अलग तरीके हैं, वो भी करते हैं। एक हमारे साथी बता रहे थे कि गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक का कहेंगे कि वैसे तो 20 रुपया उसकी दाम है, लेकिन गर्मियों में 22 रुपया लेंगे। उनका 2 रुपया अतिरिक्त किस लिए लेते हैं? उन्होंने कहा कि इसको ठंडा रखने के लिए, गर्मी में ठंडा रखने के लिए इसको 2 रुपया अतिरिक्त है। तो ऐसे मामलों में किस तरह से हमको बचत होगी, और उसके अलावा जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसके अतिरिक्त कितना बढ़ा के, अब 15 रुपये में पानी की बोतल हमको मिलती है, लेकिन उसकी कीमत 3 रुपये 4 रुपया, उसके अलावा ज़्यादा नहीं है, तो उसके ऊपर भी क्या नियंत्रण हम रखेंगे? क्या फेयर प्राइस, हर चीज़ की फेयर प्राइस होनी चाहिए कंज्यूमर को तो न्याय तभी मिलेगा जब उसको फेयर प्राइस हो, अत्यधिक उससे वसूली ना हो। पीडीएस का ये बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो फेयर प्राइस शॉप पर जो भी जाता है उसका अंगूठा लगा के और फिर उसके दबा के तब उसको उसको राशन मिलता है, लेकिन मजदूर जो गांव मजदूर है, जो ईंट भट्टे पे काम करता है, जो इमारत बनाने में काम करता है, कोयला खदान में काम करता है, उसको काम करते करते उनके हाथ की रेखाएं, अंगूठे की रेखाएं वो भी खींच जाती हैं। ये सही दृष्टांत उदाहरण है। बाराबंकी में मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि हमारी अंगूठे की तो रेखाएं घिस गई हैं, अब वो हमको राशन नहीं मिलता है। तो इस तरह का भी कोई अतिरिक्त अलग से व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। और हमारे साथियों ने इसके बारे में सवाल उठाए कि किस तरह से हमने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव एजेंसी के रूप में हमने स्थापना की है, जिसमें कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट, प्रमोट और इन्फोर्स करने की जिम्मेवारी दी है, लेकिन उसके साथ साथ नेशनल कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमीशन की भी हमने स्थापना की है। दोनों में ओवरलैपिंग होने की संभावना है, डेडलॉक होने की संभावना है, क्वैशी जुडिशल जो कोर्ट्स हैं उनके भी ज्यूरिडिक्शन का सवाल आता है, ये बिल बनने के बाद उनकी क्या स्थिति होगी ये भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ये केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश देने का अधिकार है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को, और निष्पक्षता के साथ कैसे वो काम कर सकता है? अगर निर्देश केंद्र सरकार के माध्यम से अगर होंगे तो वो जो न्याय की अपेक्षा रहती है वो नहीं है। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया, समय क्योंकि हो गया, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, बिल का समर्थन करता हूँ। थैंक यू मिस्टर पुनिया।